पाकिस्तान में पीसीबी चीफ की कुर्सियों का फेरबदल हुआ, वार पलटवार का दौर शुरू हुआ और आखिर में उनका मुद्दा हम पर यानी भारत पर ही आकर अटक गया। और जाहिर सी बात है, होता भी यही है, चाहे मसला सरहदों का हो या फिर खेल का, पाकिस्तान को एंड में हमारे पास ही आना होता है। खैर, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नेस्ट पर और मैं हूं आपके साथ ध्रुव अत्री। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के नए पीसीबी चीफ बने नजम सेठी ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह पर तंज कसा है। माना कि पीसीबी के नए चीफ हैं, लेकिन कुर्सी तो पुरानी ही है और वो भी पाकिस्तान की है, तो शायद वही पुराना बर्ताव जो पाकिस्तान की कुर्सी पर था, शायद वो अब उन पर सवार हो गया है। मुद्दा यह है कि जय शाह ने 5 जनवरी यानी गुरुवार को 2023-24 सीजन के लिए एसीसी कैलेंडर जारी किया, जिसके मुताबिक एशिया कप 2023 इस साल सितंबर के महीने खेला जाएगा। हालांकि इस बीच जय शाह ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि यह टूर्नामेंट कहां खेला जाएगा, और तो और जय शाह की तरफ से टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल भी बताया नहीं गया, जिसे शायद पीसीबी के नए चीफ ने दिल पर ले लिया और ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी बौखलाहट भी इसे लेकर कहीं ना कहीं नजर आई, जो पीसीबी के नए चीफ हैं। तो आइए एक दफा इस पूरे मसले को समझते हैं। गुरुवार को बीसीसीआई के सेक्रेटरी द्वारा किया गया ट्वीट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद नजम सेठी का ट्वीट आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उनके हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप भी जय शाह पर लगाए। तो आइए करते हैं शुरुआत, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए आप। जय शाह ने ट्वीट कर जारी किए कैलेंडर, जिसमें उन्होंने लिखा, यह कार्यक्रम इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे अद्वितीय प्रयासों और जुनून को दर्शाता है। यह क्रिकेट के लिए एक अच्छा समय है। एसीसी द्वारा घोषित 2 साल के चक्र के दौरान कुल 145 एक दिवसीय और T20 मैच खेले जाएंगे। इसमें 2023 में 75 और 2024 में 70 मैच होंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं नजम सेठी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, एसीसी संरचना और कैलेंडर 2023-24 को एक तरफा रूप से पेश करने के लिए जय शाह का धन्यवाद, विशेष रूप से एशिया कप 2023 के लिए जिसका होस्ट पाकिस्तान है। जब आप इससे जुड़े हैं तो आप हमारे पीएसएल 2023 के संरचना और शेड्यूल को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ट्वीट से हटके हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने जय शाह पर आरोप लगाते हुए कहा, मैंने पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई परामर्श नहीं किया गया है, मुझे कोई ईमेल नहीं मिला और यहां तक कि अगर पाकिस्तान डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य नहीं है तो हमसे परामर्श करना यानी कंसल्ट करने में क्या गलत है। दरअसल पूरी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खराब संबंधों के चलते बीसीसीआई टीम इंडिया को एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। भारत यहां पर पहले से ही साफ कर चुका है कि एशिया कप के लिए हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, जिसे लेकर पुराने पीसीबी चीफ रमीज राजा ने भी पलटवार किया था और कहा था कि अगर टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आई तो पाकिस्तान की टीम भी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। ये मसला पुराना है, लेकिन शायद अब इस पर कुछ विवाद अभी भी बाकी रह गए हैं। नए पीसीबी चीफ ने जय शाह के ऊपर जो आरोप लगाया है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जो लोग भारत पाकिस्तान के इस मसले पर खास दिलचस्पी या कहें कि खास नजर बनाए रखे हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।